Okay, good morning to one and all. We have to see the next part of this particular unit 2 of the paper 1. Just I am sharing the screen. In the last lecture, we talked about the radius ratio, I think so. Okay, what is the radius rule? How it helps to predict the structure of the ionic complex? The ratio of the radius of the positive ion to the radius of the negative ion is called as the radius ratio, r plus divided by r minus. If the radius ratio value is smaller, the radius of the ion in whole becomes smaller with respect to the radius of the lattice ion. Becomes smaller with respect to the radius of the lattice ion. The effect of radius ratio on fitting ions in crystal, is given in the table. You can see if the radius ratio, agar radius ratio is 0.732 से ऊपर है तो टू लॉज फॉर क्लोज प्लेजिंग सुटेबल फॉर द फिटिंग, और वो अगर लेसर है 0.732 बट ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर 0.414, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल, दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड 0.414 इज फॉर द टेट्राहेड्रल होल और से टेट्राहेड्रल फिलिंग. यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे क्लोज पैकिंग है. Describe the structure of the zinc blend. How does it differ from the wurtzite structure? अब ये जो wurtzite structure है आपने 12 में भी study किया है, same part है, यहाँ पे कोई अलग part है नहीं. अभी यहाँ पे zinc blend and the wurtzite both are the zinc sulfide. दोनों भी क्या है? Zinc sulfide है. Both have the coordination number 4, but in zinc blend structure atoms forms cubic close packing. उसे कहते हैं CCP. Whereas in wurtzites मतलब जो उसका अनदर वर्टाइज इट इज एससीपी एंड द जिंक एटम ऑक्युपाई द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, दस ईच जिंक एटम इज सराउंडेड बाय द फोर जिंक एटम. ओके, देयर आर फोर सल्फर एटम्स इन इट सेल टुगेदर विद फोर जिंक एटम्स एज शोन इन द फिगर. यू कैन सी यहाँ पे चार जिंक एटम आपको नजर आ रहे डॉट ब्लैक डॉट से दिया, और उसके बाजू में जो है यू कैन सी द एम्प्टी होल्स आर देयर दैट इंडिकेट्स द सल्फर. ओके, देयर आर द फोर सल्फर एटम्स इन अ यूनिट सेल टुगेदर विद दिस पर्टिकुलर फोर जिंक एटम एज शोन इन द फिगर. दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये ध्यान में रखना है बेसिक डिफरेंस क्या है. इसका सीसीपी है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. आपको ये समझ में नहीं आया तो जस्ट आई एम पुटिंग द नेम. इट इज वेयर एज इन वर्टराइट स्ट्रक्चर इट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. यू कैन सी द हेक्सागोनल, इट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि एसीपी समझ में नहीं आएगा तुरंत से. एंड सीसीपी इज नथिंग बट अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ओके, दैट जस्ट डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर. एक क्वेश्चन आता है आपको, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर. वी कैन अंडरस्टैंड दैट द इनिशियल कंसिस्ट ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोजिंग पैकिंग ऑफ द क्लोराइड आयंस. ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स फिल्ड बाय द Na+ आयंस. ईच क्लोराइड आयन इज इन द लैटिस इज सराउंडेड बाय 6 Na आयंस इन द ऑक्टाहेड्रल होल्स एंड each Na ion in the octahedral holes and each sodium ion in the octahedral is surrounded by the 6 Cl minus ions. It's surrounded by जल्दी से सब बच्चे को बैठ. ओके, ईच आयन इन ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड बाय द 6 आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज.
अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 आएगा, कटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ईच आयन इन ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड बाय द सिक्स आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज जस्ट फॉर्मिंग अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन सिंस रेडियस रेशियो दैट विल लाइज इन बिटवीन द 0.414 टू 0.732 इसके बीच में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी आइदर 4 और 6 एंड शेप शुड बी आइदर स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रॉन। एक्सरे स्टडी ऑफ द क्रिस्टल प्रूव दैट द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रॉन। उसने क्या बताया, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रॉन ज्योमेट्री। ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। आई एम टेकिंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज, जस्ट वी विल मैग्निफाई। ओके, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। सी हियर यू कैन सी, अभी ऑक्टाहेड्रल कैसे फॉर्म होता है, हियर यू कैन सी दैट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब Na प्लस आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द 6 Cl माइनस आयंस एंड Cl माइनस आयंस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द 6 Na प्लस आयंस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब क्या है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस यू कैन सी दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6 6 आइटम जो है वो इंटरलिंक्ड है, आप देख सकते हैं मैसेज में। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 ओके 4 5 और ये 6, ये जो डॉटेड लाइन वाले है दैट फॉर्म्स द ऑक्टाहेड्रॉन। डिफाइन द टर्म लैटिस एनर्जी, गिव द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ऑन विच इट डिपेंड्स, एक्सप्लेन वन ऑफ द फैक्टर्स इन डिटेल। द एनर्जी व्हेन गैसेस एंड आर बॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म अ मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एट 0 डिग्री केल्विन इज नोन एज द लैटिस एनर्जी और क्रिस्टल एनर्जी। इट इज अ मेजर ऑफ the energy released when gaseous ions are brought from infinity to form a mole of solid substance as 0 degree kelvin is known as lattice energy or crystal energy. It is a measure of strength of ionic bond. Larger the lattice energy, stronger is the bond. Example, Na plus plus Cl minus gives the NaCl, that is ionic bond. Delta H is equal to minus 769 Kelvin, that is a kilojoule per mole. Kelvin kilojoule per mole. Okay. Lattice energy depends upon the following factors: ionic radius, ionic charge, electronic configuration of the cation present in the molecule. अभी पहले हम सबसे पहले ionic radius देखेंगे. It depends upon the reciprocal of the inter-ionic resistance between R plus and R minus. मतलब cation और anion का जो radius है, मतलब inter-ionic distance है, उसके ऊपर depend है. In a compound where the cation or anion is the same or oppositely charged, oppositely charged, comma, ionic charge
in the compound where the that particular cation or anion is same or oppositely charged ion. In a compound where the cation or anion is the same or oppositely charged ion. If charge increases, if charge increases, the size, then the lattice energy decreases. अगर चार्ज बढ़ते गया तो आपको बताया कि साइज भी बढ़ती है. ओके, इफ द चार्ज इंक्रीजेस देन इन साइज
हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।